यमुनानगर के तेजली खेल स्टेडियम के पास देर रात गुंडागर्दी का एक मामला देखने को मिला। दरअसल रात के समय शराब के ठेके पर दो युवक शराब लेने के लिए पहुंचे। शराब लेने के बाद दोनों युवकों ने कर्मचारियों से पैसे कम करने के लिए कहा और इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। कर्मचारी शराब में छूट नहीं देना चाहते थे और युवक जबरदस्ती पैसे कम करवा रहे थे। युवकों और कर्मचारियों में बहस होने पर शराब लेने आए युवकों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और ठेके पर मौजूद कर्मचारियों की जमकर पिटाई कर डाली। यही नहीं, युवकों ने ठेके के अंदर घुसकर जमकर तोड़फोड़ भी की। आरोप है कि बदमाशों ने बियर की बोतल के साथ कर्मचारी पर वार भी किया। कर्मचारियों की तरफ से आरोप लगाया गया है कि ठेके पर रखा हुआ कैश भी बदमाश अपने साथ ले गए। जी अंदर थे इसके अंदर तो दो बंदे आए, वो लेस रहे थे, उन्होंने लेस मिली नहीं उनको और उन्हें ज्यादा ही अड़गम लगे मचाने। उन्होंने अंदर उनके कैशियर पे भी किया कि तेरे को देख लेंगे हम, अब यहाँ काम के हैं, ये है वो है। हम ऊपर थे जी, हम नीचे आए, उन्होंने गाली गलोच हमारी, तो उन्होंने फिर ना यहाँ पे ईंट ली, ईंट से वार किया, सारा किया। अंदर आए वो, अंदर हमारे आदमी थे, ये देखो आप सारा है यहाँ पे। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और हमको चोटें भी आई। बचाने के चक्कर में दो आदमी तो बिल्कुल घायल हुए, अब मेरे को बचाने के चक्कर में ये आई चोट। तो उसके बाद उन्होंने फ़ोन किया, उसके बाद 5 मिनट बाद उनके 7-8 आदमी और आए, वो हमारे आदमी आए, फिर वो वहाँ से गए, फिर पुलिस आई जी, हमारा बचा हुआ 4 आदमी थे जी। दो आदमी तो अंदर लिए हमने, दो आदमी भाग गए। तो फिर उसके तुरंत बाद 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद 7-8 आदमी फिर आए, उन्होंने भी यहाँ पे हमला किया। हमने फिर दो आदमी को अंदर किया, पता नहीं और गले में हमारे 3 लाख कैश था, वो ले गए। तो आपके आगे है, उन्होंने बोतलें फोड़ी, हमारे दो आदमी उन्होंने सिर पे हमला किया और उसमें वो जख्मी हो गए। इस टाइम अस्पताल में एडमिट है। तो क्या पुलिस गई है जिनको लेके अंदर से, एक भाई को तो उन्होंने ईंट मारी, सिर फाट दिया, एक बोतलें मार मार के उन्होंने। तो क्या यही आसपास ठेके के मालिक की तरफ से पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और दो युवकों को हिरासत में ले लिया है, जबकि अन्य युवक पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। ठेके के कर्मचारियों को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, तो वहीं पर पुलिस हिरासत में लिए गए युवकों से अब पूछताछ की जा रही है। पंजाब के सी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।